फ्रेंड्स, जेट एयरवेज जिसके रिवाइवल की कोशिशें पिछले एक साल से लगातार की जा रही है कि कैसे भी करके जेट एयरवेज को रिवाइव कर लिया जाए, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी जेट एयरवेज के लिए फाइनल रिजोल्यूशन प्लान किसी भी पार्टी के द्वारा सबमिट नहीं की गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सिनर्जी ग्रुप और प्रूडेंट एआरसी से उम्मीद थी कि वह दोनों अपनी फाइनल बोली सबमिट करेंगे, लेकिन दोनों में से किसी भी पार्टी ने अपनी फाइनल बोली सबमिट नहीं की और इसके लिए प्रूडेंट एआरसी ने एक्सटेंशन की मांग की कि उसको और थोड़ा समय दिया जाए कि वह इसके बारे में और ज़्यादा समझ सके। इसके अलावा सिनर्जी ग्रुप के लिए ये माना जा रहा है कि वह जेट एयरवेज के रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात ये बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज को एक नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल चुका है और ये नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईस्ट डेवलपमेंट फंड, जो कि रसिया की एक कंपनी है, उसने सबमिट किया है। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक भारतीय कंपनी एनसो ग्रुप के साथ मिलकर सबमिट किया है और इससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये कंपनी फाइनल रिजोल्यूशन प्लान मार्च मिड तक सबमिट कर देगी। इसके अलावा आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आईबीसी के रूल के तहत जेट एयरवेज की रिवाइवल की आखिरी तारीख 15 मार्च है। यदि 15 मार्च तक जेट एयरवेज को रिवाइव नहीं किया जाता तो इसको लिक्विडेट करना पड़ेगा और उस डेट के बाद जेट एयरवेज को कोई एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखना ये रहेगा कि क्या ईस्ट डेवलपमेंट फंड, जो कि रसिया की एक कंपनी है, वह अपना फाइनल रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करती है या नहीं। और कई लोगों का ये भी दावा है कि अभी तक सिनर्जी ग्रुप रेस से बाहर नहीं हुआ है और वह इंतजार कर रहा है कि कैसे भी करके उसको जेट एयरवेज के पुराने लाइबिलिटीज़ और उसके स्लॉट्स के बारे में जानकारी मिल जाए ताकि वह अपना फाइनल रिजोल्यूशन प्लान भी सबमिट कर पाए। फ्रेंड, जो भी हो, इसके लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए।